अहले बैत का इल्मी मर्तबा। फरमाने हमें इल्म अदा किया गया। इस एक फकरे में उन तमाम झूठी रिवायतों का जवाब मिल जाता है जो कहते हैं फला फला से पढ़ते थे या फला फला से जाके इख्तिसाब फैज करते थे। और हमारे एक रिवायतों का सिलसिला है खुद जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम के मुतालिक के इमाम सज्जाद फला साहब के फला गुलाम के पास जाके बैठा करते थे और जब पूछा गया कि आप आले रसूल से होकर फला के फला गुलाम के पास क्यों बैठते हैं तो कहा भाई हमें जहां इल्म मिलता है हम वहां जाके बैठते हैं। वो ये उनसे इल्म लेने जाते थे। और हमारे यहां रसूल का नवासा रसूल का बेटा। अब मैं क्या कहूं उर्दू में ये लफ्ज ऐसा गिरा पड़ा भी नहीं है। ऐरों गैरों से जाता था इल्म हासिल करने है? तो ये इन रिवायतों का जवाब कहां हो गया? उतीना अल इल्म हमें इल्म अता किया गया है। हक ने हमें इल्म अता किया है तुम क्या हमें इल्म दोगे? अब जितनी रिवायतें इस कबील की हैं चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हो चाहे वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक हो चाहे वो इमाम हसन से मुताल्लिक हो चाहे वो इमाम हुसैन से मुताल्लिक हो चाहे वो इमाम सज्जाद से मुताल्लिक हो या उसके बाद किसी इमाम अहले बैत से मुताल्लिक हो उन तमाम रिवायतों को जमा कीजिए और उसके ऊपर खत्ते नसख खींचिए और जवाब यहां फराहम होता है उतीना अल इल्म दुश्मन के दरबार में ऐलान करें हमें मुझे नहीं। आप कहेंगे कि जनाब सज्जाद का खुतबा है आप कह रहे हैं रसूल से लेकर बारहवें इमाम तक सबकी बात कहां से ले आए? इसलिए कि ये नहीं कह रहा है फरमा रहे मुझे कह रहे हमें इल्म अता किया गया है। एक खुतबे सैयद सज्जाद पूरे सिलसिले खत्म नबूवत व इमामत व विलायत के लिए इंतहाई हुज्जत की हैसियत रखता है। सलावत पढ़ते मोहम्मद